हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे खासे तो हट्टे कट्टे होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम उल्टा कंप्यूटर चलाएं। दोस्तों, सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सीधा बैठ के कैसे उल्टा कंप्यूटर चलाए, कैसे उल्टा कंप्यूटर चलाने का हम लोग फील हासिल कर सकते हैं, कैसे, ऐसा कौन सा फंक्शन है, कौन सा फॉर्मूला है जो अप्लाई करने पे हमें ऐसा फील होगा कि हम कहीं उल्टा कंप्यूटर तो नहीं चला रहे, कि हमारा स्क्रीन जो है वो उल्टा तो नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नीचे जो हम लोग का टास्क टास्क बार रहता है, जिसमें हमारा जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर ऑन रहता है वो दिखता है, जनरली क्रोम दिखता है, फाइल रहता है, वो जो दिखता है उसको हम कैसे उल्टा कर दे, राइट कर दे, लेफ्ट कर दे, अप कर दे, डाउन कर दे, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल हाथ का खेल है, मिनटों का खेल है, सेकेंडों का खेल है, बिल्कुल यूं ही चुटकी बजा के हो जाता है दोस्तों। लेकिन उसको करते ही आपका जो फील मिलेगा वो बहुत ही यूनिक सा मिलेगा, बहुत ही मजेदार मिलेगा। आप किसी के दूसरे के कंप्यूटर में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे आपका दोस्त देखेगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे वो शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्क्रीन कहीं उल्टा तो नहीं हो गया। ये भी एक यूनिक है, ये भी एक मजे वाली बात है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और अपने इस कंप्यूटर के स्क्रीन को उल्टा पुल्टा करके घुमा के रख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ बेसिक समझ लेते ताकि हम लोगों को पता चले कि टास्क बार किसे कहते हैं। दोस्तों, आप लोग में से बहुत ही बिगनर होंगे जिसको टास्क बार मे भी आपको नहीं है समझ में आ रहा होगा कि टास्क बार किसे कहते हैं। तो उसमें हम लोग बात करेंगे, ये जो नीचे वाला हम लोग सेक्शन है जहाँ पर हम लोग जो सॉफ्टवेयर हम लोग करंटली जो ऑन रखे हैं, वह जो एक्टिव है, वो सब यहाँ पर शो होता है। और भी बहुत सारे नेटवर्क टाइम वगैरह, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी शो होता है, यहाँ पर सर्च बॉक्स शो होता है। तो इसको टास्क बार बोलते हैं दोस्तों। तो हम लोग करना क्या है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको अपना जो माउस है, जो कर्सर, इसको कहते हैं, इस पॉइंट को जो हिल रहा है, ये हिल डुल रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर। इसको ले जाना है आपके टास्क बार पर जो खाली जगह है, और इसको ले जाने के बाद आपको क्या करना है, माउस में लेफ्ट बटन को दबा के रखना है, बिल्कुल दबा के होल्ड करके रखना है। होल्ड करते ही दबा के साथ ही इसको कर देना है राइट की तरफ, इसको करना है लेफ्ट की तरफ, इसको करना है अपर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, कैसा फील हो रहा है, कहीं आपका कंप्यूटर का स्क्रीन कहीं उल्टा तो नहीं हो गया, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है दोस्तों। फिर आपको इसको लेफ्ट करना चाहते हैं तो क्या करना है, कर्सर को ले जाना है टास्क बार के पास, फिर इसको दबाना है और होल्ड रखना है, इसके बाद कर देना है राइट की ओर। अरे दोस्तों, ये क्या हो गया, मेरा सारा एप्लीकेशन ही चेंज हो गया, मेरा फोल्डर का सेटिंग ही बिल्कुल इधर का उधर हो गया, लेकिन दिखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है दोस्तों। अब हमको नहीं, हमको राइट साइड में नहीं चाहिए, हमको ये लेफ्ट साइड में चाहिए। तो ये हम ले जाते हैं कर्सर, उसके ऊपर में अपने जो लेफ्ट बटन है माउस का, उसको हम दबाते हैं, होल्ड करते हैं, इसको ले जाते हैं इधर। तो इसको अब हम ले जाते हैं, किधर ले जाएंगे हम, इसको ले जाते हैं लेफ्ट की ओर दोस्तों। तो कैसा दिख रहा है मेरा जो स्क्रीन है, अब इसको ले जाते हैं नॉर्मल सीधी तरह, सीधे बच्चे की तरह इसको ले जाते हैं हम नीचे में। अब आ गया जो मेरा जो टास्क बार है वो अपनी जगह पे वापस आ गया। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। अगर इसको आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर जो कर्सर है इसको ले जाना है टास्क बार के पास, और इसको यहाँ पर ले जाने के बाद कोई खाली जगह, जहाँ पर आपको खाली जगह है, उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है माउस में, माउस में आपको राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करते हैं आपको एक बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है, यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिखना है लॉक द टास्क बार। यहाँ पर अगर ये वाला लॉक रहेगा आपका, ये वाला, तो ये आपका जो है वो मूव नहीं करेगा। मेक श्योर कि जब आप इसको करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इस पर टास्क बार पर राइट क्लिक करते हैं, जो ये जो सही का निशान है इसको इसको कर देना, यहाँ पर कर देना क्लिक, तो वो हो गया अनलॉक। और अनलॉक करने के बाद इसको यहाँ पर माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको दबा के होल्ड करके रखना है, इसके बाद आप इसको इधर इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो है ना दोस्तों, ये वाला इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम इस चैनल में ऐसे ही कंप्यूटर से रिलेटेड और भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग इन यूनिक सा वीडियो फीचर लेके आते हैं दोस्तों। अगर आपको वो चाहिए, फीचर चाहिए, आपको सबका इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम अपने वीडियो लाएं आपको मिल जाए जल्दी ही खबर दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब के लिए दोस्तों बाय बाय।